देखो जरा, फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन। फंक्शन एफ एक्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? एफ एक्स इंटू एफ वाई के। फॉर एक्स, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू, एक्स वाई बिलोंगिंग टू एन, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ वन 3 दिया हुआ है और समेशन एफ एक्स कितना दिया हुआ है? एफ एक्स एफ वन कितना दिया हुआ है? 3। एंड समेशन एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to n, एफ एक्स इज इक्वल टू 120। ये 120 के इक्वल है, ठीक है। देखो जरा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 3 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 120, राइट। सो क्या करेंगे, एफ ऑफ टू क्या होगा? एफ ऑफ टू को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए? एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन। सो ये हो गया एफ ऑफ टू, दैट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ वन इज वाट 3, और ये भी 3, तो 3 × 3 3 स्क्वेयर। सो एफ टू कितना आ गया? 3 स्क्वेयर, ठीक है। एफ टू की वैल्यू निकालो, एफ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 स्क्वेयर, ठीक है। थोड़ा जल्दी करो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अच्छा ऑल्सो एफ ऑफ 2 + 1 को देखो, एफ ऑफ एक्स को मैं 2 डाल देता हूँ, वाई को 1 डाल देता हूँ। एफ ऑफ 2 + 1 क्या होना चाहिए? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या होना चाहिए, इट शुड बी एफ ऑफ 2 * एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 3 बन गए, एफ ऑफ 3 इज, एफ 2 क्या है? 3 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, और एफ 1 क्या है? 3। तो एफ 3 कितना आ गया? 3 का क्यूब, ठीक है। एफ वन तो अभी पहले से ही गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था एफ वन। एफ टू हमारे पास 3 स्क्वेयर आ गया, और एफ थ्री हमारे पास कितना हो गया? 3 क्यूब, करेक्ट। राइट, हेलो हेलो जी, नमस्कार। अभी आपने कॉल किया था मुझे, जी सर बताइए। हाँ जी, हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं है आपकी ब्रांच में, सेविंग, हाँ सेविंग अकाउंट है। भेज दो फिर, भेज दो फिर क्रेडिट कार्ड एड्रेस तो है ही आपके पास। नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा। नहीं, ये वाला प्रोसेस नहीं चाहिए। अगर मान लो आपका कार्ड है, जैसे मेरा SBI HDFC का कार्ड है, तो मैं फ्री कार्ड था, मेरे घर आ गया कार्ड, तो भाई कैसे होना चाहिए? ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए। हाँ जी जी बोला, हाँ मैं कह रहा था, अगर कार्ड है, कार्ड मेरे अकाउंट पे कार्ड है, तो कार्ड वैसे ही भेज दो आप, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की क्या जरूरत है?
अब जैसे मेरा HDFC का कार्ड है, HDFC का कार्ड में मैंने देखा अकाउंट के, वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैं कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ और कार्ड मेरा बन सकता है। मैंने वहाँ पर ओके किया, मैं कार्ड भर लिया, मेरे घर आ गया। तो लाइक ऐसे होना चाहिए ना, ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वाला तो सब जानते टाइप। चलो बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं इतना टाइम, फिर देखेंगे। ओके जी, हाँ तो यही होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास है, बैंक बैंक के पास हमसे ज़्यादा डिटेल तो बैंक के पास है, फिर भी हमसे डिटेल मांग रहे हैं। जब अकाउंट खुल जाता है तो हमसे ज़्यादा डिटेल बैंक के पास होती है हमारी। आप तो बैंक से एसोसिएटेड, आपको पता होगा इन बातों का भाई। मुझे मुझे अपना सिविल स्कोर पता है या नहीं पता, तो बैंक को पता है मेरा सिविल स्कोर, ठीक है ना। हाँ तो वही है ना, वहाँ पर आपको पता होगा, फिर वहाँ पर आपको पता होगा कैसे होता है। बिल्कुल आया हुआ है मेरे पास, आया हुआ है मेरे पास। हाँ तो इनको SBI में मीटिंग में रखो आप ये बात कि जी HDFC ऐसे करता है और हमारे हम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते रहते हैं। अच्छा, चलो अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो अभी तो रहने दो, फिर बाद में देखेंगे, अभी रहने दो। ओके जी, हाँ जी, सॉरी, ये दिया हुआ था हमें समेशन एन तक का सम, ठीक है। तो एन तक का सम F1 समेशन ओपन करना आता है ना सभी को, मैंने बार बार समझ लिया। तो इसमें n को 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, F1 प्लस समेशन खोलोगे फिर F2 Fn तक आता रहेगा। n टर्म्स तक का सम ये हो गया, ये GP बन गई, GP के n टर्म्स का सम लगा दिया, ठीक है। ये 120 पहले से ही दिया हुआ था, ये मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है। n यहाँ से 4 आ गया, मतलब 4 टर्म्स का सम 120 होगा। अगला स्टार्ट करोगे तुम, करो अगला, करो क्या दिया, सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP इज दिस, GP की कुछ टर्म्स का सम ये दिया हुआ है, कुछ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो A और R दिए हुए हैं, SN भी दिया हुआ है, N निकालना है। देखो आपको क्या दिया है, इसमें SN दिया है, A दिया है, R दिया है, जस्ट आपको एक फॉर्मूला डालना है। A दिया है आपको, R दिया आपको, SN भी दिया है, एन आपको फाइंड करना है। तो सारी वैल्यू फार्मूले में डालते जाओ, अपने आप आ जाएगा। सही है, करो ट्राई। ये कितना है, H5 R is 2, SN is 315, H5 R is 2, SN is 315। SN पे फॉर्मूला लगा दो, SN क्या होता है, A into R to the power n minus 1 upon R minus 1, that is 315। लगा दो इसपे फॉर्मूला, जो कुछ है वो आ जाएगा आगे। लेट्स स्टार्ट कर, शायद आपने इस सेकंड एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन कर लिए सारे। बहुत स्मार्ट है, गए क्या हुआ, क्या कर दिया, A is what 5, R is what 2, 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1, 315 कितना हो गया, ये कितना होगा,
फाइव इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन वन दैट इज 315। ठीक है, टू टू द पावर एन माइनस वन इज 315 अपॉन फाइव, टू टू द पावर एन इज इक्वल टू 64 को लिखोगे टू की पावर सिक्स एन इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, अगला करो। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज वन, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज वन, sum of third term and fifth term is 90, sum of third term and fifth term is sum of three terms, sum of third term नहीं third term and fifth term यही है ना, कितना दिया है 90, वैल्यू डालो इनकी। ए थ्री को लिखोगे यार स्क्वेयर, रे फाइव को लिखोगे यार फोर इज इक्वल टू 90, ये दिया है डालोगे आर आएगा, आर में इक्वेशन बनेगी क्वाड बाई क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफाई करके ये आपको फाइंड करना है। नहीं बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ए आर स्क्वायर प्लस में ए आर फोर दिस इज इक्वल टू 90, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, आर फोर प्लस आर स्क्वायर दिस इज 90, आर फोर माइनस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू प्लस आर स्क्वायर, तो आर टू द पावर फोर प्लस में 10 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर प्लस 10 आएगा माइनस 9, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस यहाँ भी 10 हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, इससे भी ओके कोई नहीं बीच में। हाँ तो क्या आ गया, यहाँ से आर की आर स्क्वायर या आर की वैल्यू निकालो, सर नेगेटिव का रूट नॉट डिपेंड होता है, प्लस माइनस नहीं, माइनस 10 का रूट तो नॉट डिपेंड, नो नॉट डिपेंड, प्लस माइनस 3 है, हां प्लस माइनस 3 आंसर आ गया। ओके एन निकालना था कितना आया, प्लस माइनस 3 नहीं एन इसमें तो कॉमन रेशियो निकालना था, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ये तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट आर स्क्वायर माइनस 10 नहीं हो सकता। अगला करो, sum of three terms of GP is 56, मिला सम, sum of three terms of GP is 56, मिल गए, sum of three terms of GP is 56, ठीक है, तो तीन टर्म है sum 56 दिया हुआ है, if we तीन टर्म मान लो a r square, हमने ये वैसे क्यों नहीं ली a upon r a r वैसे क्यों नहीं ली,
वो तब देते हैं जब मल्टीप्लीकेशन तीन टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ हो, यहाँ पर तीन टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी, इफ ही सबट्रैक्ट्स 1721, यहाँ से क्या माइनस कर दें, 1 यहाँ से। अच्छा, इनका सम कितना दिया हुआ है, सम ऑफ थ्री नंबर इन जीपी इज 56, ये 50 पता तो है, फर्स्ट थ्री टर्म्स का ही सम है 56, किसी भी टर्म का हो सकता है। देखो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि जीपी में ऐसा होता है जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, वाला भी आएगी 64। मैंने इसको ये मान लिया तो पक्का ये ए इंटू आर मिलेगी और ये आर स्क्वेयर मिलेगी, ठीक है। पहले कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप जीपी में, अगर आपने जहाँ से स्टार्ट किया उसको ये मान लिया तो डेफिनेटली अगली वाली टर्म ए आर होगी और उससे अगले वाली ए आर स्क्वेयर होगी, ठीक है। तो वैसे तो ये जीपी बड़ी सारी थी, ये 16 पहली टर्म तो नहीं थी ना, बट हमने 16 को भी फर्स्ट टर्म मान लिया तो आगे वाली टर्म ए आर होगी, अगले वाली ए आर स्क्वेयर होगी। तो इनका सम 15 दिया हुआ है, 1 + r + r² दिस इज इक्वल टू, ये 56 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 56 के इक्वल है, 1 + r + r² इज इक्वल टू 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स, अगर हम यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 1721 इसमें से 1 a माइनस 1, इसमें से 7 ar माइनस 7 और इसमें से 21 ए आर स्क्वेयर माइनस 21, तो ये नंबर किस में बन जाते हैं, AP, ठीक है। तो AP की प्रॉपर्टी ये होती है, ये AP में है ना, AP की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस, ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस, ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वेयर माइनस 21। खोलो, बना कोई इक्वेशन में से, सर बन गया 8 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस 1 करा दो प्लस 1 प्लस 1 दोनों दो इक्वेशन बनी, दूसरी इक्वेशन क्या आई, 8 इज इक्वल टू ए, यहाँ से आएगा 2 ए आर माइनस 14 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वल टू टाइप ट्वाइस ऑफ मीटर इज इक्वल टू हाँ दिस प्लस दिस, तो ये क्या बना, अभी ए आर स्क्वेयर
माइनस प्लस ए माइनस 22 यहाँ पर तो ये बन गया ए आर स्क्वेयर माइनस टू ए आर है ना प्लस ए इज इक्वल टू प्लस एट 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 इज इक्वल टू ए कॉमन लिया आर स्क्वायर माइनस टू आर टू आर प्लस वन ठीक है तो ए की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो कितनी बनती है इस इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर दो या ए की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो इस इक्वेशन को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा क्या बचेगा वन प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस टू आर प्लस वन सारे समझ आया इस वाले को इससे डिवाइड कर दिया ठीक है तो डिवाइड करोगे तो ए से ए कट जाएगा बाकी ये बचेगा दिस इज इक्वल टू 56 अपॉन 8 ये इसे कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो 22 आर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्वेशन बनेगी सॉल्व करो आर आएगा ओके कौन से वाला था ये चलो अगला देखो आंसर आ गया ना सभी का कनु नहीं आया 1/2 और 2 चेक कर लिया क्या है नंबर्स में आ रहा है तो जीपी बनाओ आ रहा है तो जीपी बनाओ ये हमारे पास है क्या ये निकालो
जी ये निकाल के जीपी बनाओ, दो जीपी बनेंगे। मंजू यादव वो मेरा ना वो दिया था हमने वैसे ड्राई क्लीन के लिए, समझ लेना। अभी आप ऑफिस में ही हो, खाना वाना भिजवा दें आपको वहीं? नहीं, खाना वाना भिजवाना हो तो बता दें, डिनर वगैरह वहीं भिजवा देंगे। अच्छा देख लेना, अगर नहीं बने तो फिर हम उधर भिजवाएं फिर। हेलो, ओके ओके ओके, बट अच्छा आप कह रहे हो कच्ची सब्जी खाओगे? ओके बाय। कहाँ तक गए? फिर इन पर ये निकालो जल्दी से, ये तो यहीं डाल दो ना आर को, यहाँ ये इन यहाँ आर कितना है तुम्हारा? टू आया ना, ए इंटू वन प्लस टू प्लस फोर इजिकल टू 56, 4 2 6 7, 7 से काटा 8, ये में क्या टाइम लग रहा है? क्या करना, 1/2 से भी निकाल रहा हूँ। 1/2 में क्या दिक्कत है? देख बस होने वाली, ए इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 दिस इजिकल टू 56, तो वही 4 2 6 1 7, 7/8 इज इक्वल टू 56, ए इज इक्वल टू 8, तो 7/4 ये आएगा ना, 4 आएगा यहाँ, या 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, नीचे तो 4 और नीचे 8, 8 अच्छा नीचे 4 आया, तो 7 से 32। 32 क्या आया था ना इतना टाइम, क्या करना, 32 आ गया। अच्छा अब नंबर बनेंगे, ए आर स्पीयर 8 16 32, तो बाकी दो उल्टे बनने चाहिए, 32 16। क्या गनू क्या करता है, अगला करो, लगाओ इस पे सीएनडी, लगाओ कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ। हाँ नहीं, ये वाला है, हाँ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म, जीपी में कितने टर्म है? टू एन टर्म्स है, जीपी में कितनी टर्म है? टू एन टर्म्स है, ए टू एन, ठीक है जीपी में टू एन टर्म्स है। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑक्यूपिंग टर्म्स इज 5 टाइम द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑल टर्म्स ए 5, सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी कि ए टू एन, सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस 5 टाइम्स, सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस कैसे भाई? जैसे देखो ये ए है, ये ए वन है, ये ए टू है, ए थ्री है और ए टू एन है, ठीक है, इन सारी टर्म्स का सम ये तो किसके इक्वल है, किसके, चलो बाद में देखेंगे। अच्छा एक तो ये वाला है, एक यहाँ से ए प्लस ए आर ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव और लास्ट में आएगा ए टू एन माइनस वन, इन सारी टर्म्स का सम, एक तो इन टर्म्स का सम और एक इन टर्म्स का सम, ये क्या है किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, यानी कि दिस इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ दिस, ठीक है। ये तो नॉर्मली निकलेगा एस टू एन, क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन, ये हमने सिर्फ ओड टर्म्स ओड वाली वन फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म फिर फिफ्थ टर्म ओड नंबर वाली टर्म्स हमने चूज करी, ए वन का फार्मूला ए होता है, इसका ए थ्री का होगा ए आर स्क्वेयर, इसका होगा ए आर फोर ए आर जो भी मिल जाएगा, लेकिन टू एन टर्म्स में से आधी टर्म हमने ले ली, तो कितनी होंगी ये सारी मिला के?
एन, भाई टोटल टू एन टर्म्स थी, उसमें से मान लो 1 2 3 4 5 6 छह टर्म है, इसमें से अगर आप ओड नंबर वाली टर्म सेलेक्ट कर लेते हो तो आधी हो जाएंगे, तीन टर्म आएंगे। तो ये टू एन टर्म्स है, इसमें से आपने ओड प्लेस वाली टर्म्स ले ली तो ये एन आएंगी, तो ये एन टर्म्स हैं। और इन एन टर्म्स में कॉमन रेशियो देखो आप क्या है, कॉमन रेशियो आर स्क्वेयर है, इससे इसको डिवाइड करके देखो कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वेयर, और फर्स्ट टर्म ये है, तो एस एन बन गया ये एक टाइप से, एस एन इन टर्म्स का सम, एस एन डैश ए इंटू कॉमन रेशियो आर स्क्वेयर, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। एस एन डैश कितना आएगा, ए इंटू आर टू द पावर टू एन माइनस वन अपॉन आर स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। और डी आई ए है एस टू एन इज इक्वल टू फाइव टाइम ऑफ एस एन डैश, रखो इसमें सिंप्लीफाई करो कुछ और आर की वैल्यू निकालो। Do very fast. Hello. ट्यूशन आज ओके अगला करो रिकॉर्डिंग चल रही है क्या?
चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला है ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, क्वेश्चन नंबर नई बुक में 6 है, पुरानी में देखो कौन सा है। ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी गड़बड़ हो गया, इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। शो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी, क्या शो करना है, ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी जी पी में है, ये प्रूव करना है, देखो जरा ए बी सी डी जी पी में है बच्चों, ये ए ये किस में है, ये इक्वल दिए हुए हैं, सॉरी सी एन डी पता है आपको क्या होता है, कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होता है, सी एन डी होता है कि ए अपॉन बी किसके इक्वल है, सी अपॉन डी के इक्वल है, ए अपॉन बी किसके इक्वल है, सी अपॉन डी के इक्वल है, इस पे आप सी एन डी लगाओ लगाओ, तो सी एन डी में होता है कि बी को आप ए के साथ जोड़ दो, बी को आप ए के साथ ऐड कर दो और नीचे ए माइनस बी कर दो, दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सेम चीज आप यहां पर अप्लाई करो तो क्या बनेगा, देखो ए प्लस बी एक्स प्लस में ए माइनस बी एक्स, डिनोमिनेटर ऊपर हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ए माइनस बी एक्स सॉरी नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करो, ठीक है, क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स माइनस में ये होगा ना, तो ये जाएगा माइनस का ए और प्लस में बी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहां पर भी आप सी एन डी अप्लाई करेंगे तो ये होगा बी प्लस सी एक्स प्लस में बी माइनस सी एक्स अपॉन में, नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करना है, न्यूमरेटर क्या है बी प्लस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स इसमें से माइनस क्या करना है डिनोमिनेटर बी माइनस सी एक्स, तो माइनस करोगे तो हो जाएगा बी प्लस सी एक्स हो जाएगा, ठीक है, दिस इज सी प्लस डी एक्स प्लस में सी माइनस डी एक्स, और यहां पर क्या आएगा सी प्लस डी एक्स माइनस में सी प्लस में डी एक्स लाइक दिस। अब बी एक्स से बी एक्स काट दो टू ए, ए से ए काट दो टू बी एक्स, टू बी अपॉन बी से बी काट दो टू सी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कट कर दो टू सी अपॉन डी एक्स टू डी एक्स, टू से टू कट हो जाएगा हर जगह, ए अपॉन बी एक्स, बी अपॉन सी एक्स, सी अपॉन डी एक्स और ये एक्स कट है हर जगह कट, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है जीपी, दिस इम्प्लाइज ये जीपी की जो प्रॉपर्टी है, देखो जीपी की प्रॉपर्टी है नहीं कि ए, उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो, बी बाई ए सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है, क्योंकि ये जीपी की प्रॉपर्टी होती है कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये जीपी की प्रॉपर्टी होती है, तो यही आ गया, सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड, सो ए बी सी डी क्या है जीपी में है, करेक्ट।
यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अभी, एस इज द सम, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ आर टर्म्स, पी इज द प्रोडक्ट एंड आर इज द रेसिप्रोकल ऑफ एन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। एस क्या है, सम, एस है सम, जीपी के टर्म्स का सम है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर टिल ए आर टू द पावर एन। नई बुक का सेवन्थ क्वेश्चन है ये, एन टर्म्स का सम है तो एस कितना होना चाहिए, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये जीपी की एन टर्म्स का सम है एस, तो जीपी के एन टर्म्स के सम इसके इक्वल होना चाहिए, राइट ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लगाया वो आर ग्रेटर देन वन के हिसाब से लगाया है ना, हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो आर ग्रेटर देन वन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया है। ठीक है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज ग्रेटर देन वन, कनु ठीक है। हाँ जी सर। आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल, पी इज द प्रोडक्ट, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स यानी के वन के टू ए थ्री ए आर स्क्वेयर, ए थ्री क्या होगा यह पूरा लिखूं, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, पी है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स यानी कि ए ए आर अरे फिर क्या ए वन ए टू ए थ्री टिल ए एन, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, पी इज इक्वल टू ए, ए टू क्या होगा ए आर, ए थ्री क्या होगा ए आर स्क्वेयर, ये क्या होगा ए आर एन, ठीक है एन माइनस वन, तो पी हो गया। देखो ये एन टर्म्स का प्रोडक्ट है तो इसमें एन टर्म मल्टीप्लाई होंगी, हर एक टर्म में ए है तो ए की मल्टीप्लाई होकर पावर कितनी हो जाएगी एन, नहीं समझे, नहीं समझे ना, जैसे ए दो बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए अगर थ्री टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए क्यूब हो जाएगा, अगर ए को एन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्या हो जाएगा ए की पावर एन, तो यहाँ पर ए एन टाइम मल्टीप्लाई में है तो ए की पावर एन हो गया। अच्छा साथ में आर की यहाँ पर कितनी पावर है वन, फिर यहाँ कितनी पावर है टू, आगे थ्री आएगी फोर आएगी और लास्ट में क्या है एन माइनस वन, और सारे मल्टीप्लाई में, जब बेस मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है एड, तो यहाँ पर जो आर की पावर वन प्लस आर टू द पावर टू प्लस थ्री टिल कहाँ तक एन माइनस वन तक, ये सब ऐड हो जाएंगे। सो पी क्या हो गया ए टू द पावर एन, एन व्हाट इज दिस आर टू द पावर एन इन टू एन माइनस वन अपॉन टू, आर क्या हो गया आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री एन माइनस वन। देखो ये क्या होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री टिल एन तक, एन तक के नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन तक के नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर ये नंबर एन माइनस वन तक हो, कहाँ तक हो एन माइनस वन तक, तो यहाँ एन के जगह एन माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर भी एन के जगह एन माइनस वन आ जाएगा और नीचे टू, इससे ये कट हो गया, क्या बचा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो वन से लेकर एन माइनस वन तक के नंबर्स का सम कितना होता है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये पी आ गया करेक्ट। आर क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, वन बाई ए, वन बाई ए आर, वन बाई ए आर क्यूब प्लस वन बाई ए आर टू द पावर एन माइनस वन। निकाल के दिखाओ ये क्या आएगा, कैसी सीक्वेंस है ये और इसका सम क्या होना चाहिए, करो ट्राई। ये भी एक जीपी है भाई,
और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, ए टू बाई ए वन करके देखो, ए टू बाई ए वन करके देखो इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है। फर्स्ट टर्म 1/e है, कॉमन रेशियो कितना है भाई, ए टू, ए टू कितना है 1/r, अपॉन में 1/a करोगे तो ये हो जाएगा 1/r इंटू ए, कॉमन रेशियो आएगा 1/r, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1/e है, कॉमन रेशियो कितना है दिस। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पे कर लिया आपने, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि r हमारा क्या है, 1 से बड़ा, तो r अगर 1 से बड़ा है तो 1/r क्या होगा, 1 से छोटा। तो यहां पर जो सम का फार्मूला लगाएंगे जीपी में, तो इस वाली जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, 1/r, जो कि 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप रखोगे 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/1 माइनस कॉमन रेशियो, ऐसे लिखोगे, करेक्ट। रीजन उसका आप समझ गए कि अगर आर 1 से बड़ा है तो 1/r क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन रेशियो आर, सॉरी कॉमन रेशियो नहीं, आर 1/a, दिस इज 1 माइनस 1/r टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/r, दिस इज 1/a आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1/r। एलसीएम ले लिया मैंने दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह क्या ले लिया, कनु कहाँ तक हो गया, दिस इज 1/a आर टू द पावर एन माइनस 1/r टू द पावर एन इंटू आर अपॉन आर माइनस 1, आर अपॉन आर माइनस 1। इसको इससे कट कर दो, ये जो ऊपर आर है ना, इसको ये आर की जो एन पावर इससे कट करोगे तो नीचे पावर डिनोमिनेटर में पावर क्या बाकी बचेगी, एन माइनस 1, एक पावर वहां से कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में आर है, डिनोमिनेटर में आर टू द पावर एन है, तो एन इसको आप क्या लिख सकते हो, आर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू आर लिख सकते हो, आर से आर को कट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज 1/a आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू में ये एक एक्स्ट्रा टर्म है 1/r टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है भाई, ठीक है सर, ये ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी एक a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर दिस, और नीचे कितना बचा, 1/a स्क्वेयर इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, ये बचेगा, समझ आया, दिस इज r, क्या है ये r है। अब देखो क्या प्रूव करना है, ठीक है, मैं तो इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, व्हाट इज दिस s, यस है ना, एस इंटू 1/a स्क्वायर इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है भाई, पी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन, अच्छा ये आर टू द पावर एन क्या होगा, आर टू द पावर एन निकालना हो तो क्या होगा, इसकी पावर एन हो जाएगा, आर टू द पावर एन कितना हो गया, एस की पावर एन, 1 अपॉन ए की पावर 2n इंटू आर टू द पावर, देखो ये जो n पावर है ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो s की पावर n होगा तो s टू द पावर n, यहाँ पर देखना a की पावर n होगी तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर टू द पावर n, a टू द पावर 2n, और r की पावर कितनी है, n माइनस 1, इसके ऊपर पावर n करोगे तो कितना बन जाएगा, n इंटू एन माइनस 1, यहाँ पर आएगा n इंटू एन माइनस 1, समझ आया, यस, दिस इज r टू द पावर n। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हमें यहाँ से पी स्क्वेयर निकालना हो, देखना एक बार, यहाँ से पी स्क्वेयर निकालना हो, देखना दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे,
तो पी स्क्वायर कितना आएगा, ए टू द पावर टू एन, और ये भी बताना आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई, गेट मल्टीप्लाइड, पावर मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बचेगा, एन इंटू एन माइनस वन बचेगा। तो क्या मैं इसको पी स्क्वायर नहीं लिख सकता, आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एस टू द पावर एन इंटू पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर तो है, देखो यहां से पी स्क्वायर को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, आर टू द पावर एन इंटू पी स्क्वायर दिस इज एस टू द पावर एन, ये टू करना मैजिकल चले। चलो आगे चलो अगला क्वेश्चन भी, ए बी सी डी जीपी में है, देन प्रूव दैट ए एन प्लस बी एन, ए बी सी डी क्या है जीपी में, देन प्रूव दैट ए एन प्लस बी एन, बी एन प्लस सी एन एंड सी एन प्लस डी एन, यही है ना। ए बी सी डी अगर जीपी में है तो ए एन प्लस बी एन, बी एन प्लस सी एन, सी एन प्लस डी एन आर ऑल इन आर इन जीपी, ये भी जीपी में है, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना, देखो इनको जीपी में प्रूव करना है। तो जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी, यही होती है ना जीपी की प्रॉपर्टी, कि स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो यही कर देते हैं, इतनी इन तीन टर्म को जीपी में प्रूव करने के लिए, यानी कि तो प्रूव हमारा क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड बी एन प्लस सी एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन। ठीक है, ए एन प्लस बी एन ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। देखो दिया क्या है, तो हम इसकी एलएचएस लेके चलते हैं, ए बी सी डी क्या है जीपी में है, ध्यान रखना। तो एलएचएस लेके चले, जो टू प्रूव है उसके एलएचएस या आरएचएस लेके, आरएचएस ले लेते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन दिस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू को तो ए ही रखोगे, ए बी सी डी अगर जीपी में है तो बी को क्या लिख सकते हो ए आर, सी को क्या लिख सकते हो ए आर स्क्वायर, डी को क्या लिख सकते हो ए आर क्यूब, लिख सकते हैं ना। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ए को क्या लिखेंगे, ए तो यही रहेगा, बी को लिखेंगे ए आर, तो ये ए आर की पावर एन हो गया, करेक्ट। सी, सी इज व्हाट, ए आर स्क्वायर की पावर एन, डी ए आर क्यूब की पावर एन, ए टू द पावर एन प्लस
ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन, ठीक है, ए एन आर टू द पावर टू एन, ए एन आर टू द पावर थ्री एन, करेक्ट। यहां से कुछ कॉमन लो और यहां से भी कुछ कॉमन लो, जो कुछ कॉमन आ सकता है कॉमन लो। तनु थक गया? जी सर थक गया, लग रहा है। करो भी सिंप्लीफाई करो और फिर आर एल एच एस को सोल्व करो और दोनों बराबर आ जाने चाहिए। बेटा क्या करने लग गया? हमारे तो सारे लोग बिजनेस में लाओ आठ बच्चे, आठ बच्चे थे बस, मॉम ने पढ़ाया नहीं आई थी, मॉम जा रहे हैं ना परसों लास्ट टाइम। हाँ भाई बताओ, कहा तुमने ए एन कॉमन लिया, वन प्लस आर एन बचेगा, यहाँ से भी ए एन कॉमन लो, आर की पावर टू एन भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? वन प्लस आर टू द पावर एन बचेगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन और दिस, एन एन ए टू द पावर टू एन, वन प्लस आर एन, ठीक है, एन ये हो गया। अच्छा आर टू द पावर टू एन और ये वन प्लस आर एन, वन प्लस आर एन, वन प्लस आर टू द पावर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी आर द रूट्स ऑफ दिस। अच्छा ये आर एच एस प्रूव करी आपने उसकी, ये तो एल एच एस निकाली है ना आपने, आर एच एस निकाली है, सॉरी एल एच एस को सिंप्लीफाई करो, देखो आर एच एस के बराबर आती है क्या।
गुड इवनिंग फिक्स है ना जैकेट के तौर ही लोग एकदम फिक्स है आज किसका डे साइंस का साइंस का देते हैं कुछ है ना हाँ बच्चे ओके प्रूव हो गए दोनों एक बार ओके नेक्स्ट अगला करो भी ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो ये एक इक्वेशन है ठीक है सी एंड डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो दो इक्वेशन दी हुई है हमें एक पहली इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो ए और बी इसके पहले वाली के रूट्स क्या हैं इसके रूट्स क्या हैं ए बी और इसके रूट्स क्या हैं सी डी ठीक है फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं ए बी है दूसरे वाली के सी डी है अच्छा एक बात बताओ पहले क्वेश्चन में पढ़ लो कि क्या प्रूव करना है ठीक है पढ़ो तो बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स अगर ए बी हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा माइनस बी बाई ए कितना है इसमें वन है थ्री आ जाएगा ठीक है और बच्चों ए बी सी डी जी पी में है तो ए प्लस बी आर ए प्लस ए आर बी को क्या लिख सकते हो ए आर दिस इज इक्वल टू थ्री ए यहाँ से कॉमन लिया तो वन प्लस आर इज इक्वल टू थ्री ए बी सी डी जी पी में है तो ये होगा ठीक है अच्छा जी दूसरा अगर प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल होगा भाई पी के इक्वल तो ए इंटू ए आर इज इक्वल टू पी तो ए स्क्वेयर इंटू आर दैट इज इक्वल टू पी दिस इज इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन टू ठीक है एक्स स्क्र माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्र अच्छा इस इक्वेशन में देखो एक्स स्क्र माइनस क्यों लिख रहा हूँ बार बार दिमाग खराब हो गया सम ऑफ रूट्स सी प्लस डी किसके इक्वल होगा भाई ट्वेल्व के इक्वल होगा अच्छा ए बी सी डी अगर जी पी में है ए बी सी डी जी पी में है तो बी को क्या लिख सकते हो ए आर सी को ए आर स्क्वेयर डी को ए आर के वेरी गुड करो ठीक है सी इज ए आर स्क्वेयर नहीं सी हाँ ए आर स्क्वेयर है डी इज ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ ए और आर स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूँ तो वन प्लस आर बचेगा दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व हेलो हेलो सी दिस इज इक्वेशन थ्री राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट सी इंटू डी किसके इक्वल होगा बच्चों क्यू के इक्वल सी इज व्हाट ए सी इज व्हाट ए डी इज ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू ए स्क्वेयर आर फाइव इज इक्वल टू क्यू नेस ठीक है नाउ बच्चों नाउ
इक्वेशन वन को थ्री से डिवाइड करो, गेट थ्री को डिवाइडिंग इक्वेशन थ्री बाई वन। रुक जाओ बच्चों, चलो करो। ए इंटू वन प्लस आर अपॉन में ए आर स्क्वेयर ऊपर कर दो, ए इंटू ए इंटू आर स्क्वेयर इंटू वन प्लस आर अपॉन ए इंटू वन प्लस आर, दिस इज 12/3। ए सर ए को काट दो, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर हाँ फोर यू है। ठीक है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर आ गया। अब बच्चों देखो, आप अपने क्वेश्चन को पढ़ो, वहां पर आपको दिखाना है क्यू प्लस बी इज टू क्यू माइनस बी, क्यू प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी दैट इज इक्वल टू दैट, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बट ये आता कहां से है, क्यू प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी आता कहां से है, घूम के आता बच्चों, ये आएगा Q अपॉन P पे अगर आप सी एन डी लगा दो, सीधा किसकी बेटा है, हमारे पास वैल्यू है ना बेटा, हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर डालोगे आर स्क्वायर की वैल्यू फोर डालोगे, डालो अभी नहीं। ठीक है, इस पे कंपोनेंट में मान लो राइट साइड में भी कुछ होगा, इस पे सी एन डी लगाओगे तो क्या आएगा, ये क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, ये सी आएगा ना, मतलब हमारे पास पहले ये तो होना ही चाहिए, तभी तो ये निकाल पाओगे आप। क्यू प्लस पी के लिए आप करोगे इक्वेशन फोर को टू से डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन फोर बाई इक्वेशन टू, इक्वेशन फोर को आप किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है फिर एक काम करना ना, वहाँ उस ऑफिस में जाकर मुझे भी बोल दो, पीटीएम का देकर गए तो हो गया और गैस से नहीं गया जो जाहिर है, डिवाइडिंग इक्वेशन फोर बाई दिस, इक्वेशन फोर को टू से डिवाइड किया, इक्वेशन फोर को टू से डिवाइड किया, ठीक है बच्चों, Q अपॉन P इज इक्वल टू, बताओ करो इसको डिवाइड इससे, ए स्क्वेयर इंटू आर फाइव, ए स्क्वेयर इंटू काट दो आर फोर, Q अपॉन P इज इक्वल टू आर फोर, Q अपॉन P इज इक्वल टू, और आर फोर की वैल्यू देखना जरा यहाँ से, Q अपॉन P इज इक्वल टू 16, आर फोर इज 16, देखो आर फोर 16 तो है, आर फोर इज 16, तो इस 16 को मैं 16 अपॉन 1 लिख दूं क्या, इफ यू डोंट माइंड, आप इस पे सी एन डी लगा दो, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, तो q प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी दैट इज इक्वल टू 17 अपॉन 16 15, तो q प्लस बी इज टू q माइनस बी इज इक्वल टू 17 इज टू 16, हेलो बेटा आप कैसे हो, आज आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आई वॉन्ट बी कमिंग आज ही सुबह, क्या आज से कह रही है आगे सूरत नहीं, कुछ सूरत नहीं है, कुछ और है, हाँ जो भी है मतलब सरोत पता नहीं क्या, सरोत आज ही सरोत कुछ ऐसा है,
तो हाँ फिर तो तेरे ग्रुप में कार्ड मोस्टली छिपे ही होंगे। चलो भाई तुम अगला करो। अगला क्वेश्चन अगला ये कहता है रेशियो ऑफ एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज एम इज टू एन। दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, उनका ए एम और जी एम का रेशियो एम इज टू एन है, ठीक है, दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो नंबर है। ए इनका क्या है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन होगा इसका अंडर रूट ए बी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा दिस। और बच्चों ठीक है, रेशियो हमें दिया ए और जी का, ए और जी का रेशियो एम अपॉन एन दिया हुआ है, तो ए किसके इक्वल हो गया बच्चों, एम की, और जी किसके इक्वल हो गया एन के इक्वल। ये आपको समझ आया, दो नंबर हैं ए और बी, ए उनका अर्थमेटिक मीन है, जी उनका ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, क्लियर है। नहीं सर, तो देखो ए प्लस बी बाई टू किसके इक्वल है, ए के इक्वल ना। हाँ, ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ए के जगह क्या डालोगे एम के, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू आ गई टू एम के, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई टू एम के, ठीक है। अच्छा देखो जो ए जी इज इक्वल टू क्या है ए बी, तो जी स्क्वेयर कितना होगा, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू, एम के कौन सा है बेटा जब दो नंबर रेशियो में है मान लो, ठीक है, तो उनको ऐसे ही तो लेते हैं, जैसे मान लो एक नंबर 18 है एक 54 है, तो इनका रेशियो कितना होगा, कट के ये 1:3 आ जाएगा ना रेशियो, रेशियो 1:3 आया, तो ये नंबर तो कुछ और थे, इसका 3 टाइम थे या 18 टाइम थे, तो हमें तो नहीं पता है ना कि अब इससे वापस ये कैसे लाएं, तो इसके साथ ये नंबर क्या होगा 1 के, ये नंबर वाला क्या होगा 3 के, ऐसे दे देते हैं, ठीक है। जी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो जी की वैल्यू तो है हमारे पास एन के, यहाँ डालेंगे एन के का स्क्वायर, एन स्क्वायर के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी, करेक्ट, समझ आया। अच्छा एक बात सुनो, एक इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स कितने हो ए प्लस बी, ए और बी हो, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। और बच्चों ये तो हमारे पास है ही ए प्लस बी की, कहूँ भाई साहब बी एक्टिव एट है, सर दर्द हो रहा है, ओ माई गॉड, अच्छा मैं स्कूल भी गया था, मैं ट्यूशन भी आया हूँ। बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस टू एम के प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर और एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, फोर ए कितना है भाई, ए तो 1 है, और सी कितना है एन स्क्वेयर के स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई टू ए, एक्स इज इक्वल टू दिस,
टू एम के प्लस माइनस। बच्चों यहां से टू और एम, टू और के कॉमन ले लो, बस टू और के कॉमन ले लोगे, फोर के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर टू के आ जाएगा, फोर के स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर टू के आएगा, तो ये एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई ये हमारा वन है तो ये नीचे टू ही रहेगा। मोइना आ रही है आज? नहीं, नाइस। तो ये बच्चों के को कॉमन ले लो, टू को भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एम प्लस माइनस। पटियाला गई वो लुधियाना कपड़े लेने, तो क्या लाएगी लुधियाना से? या ठीक है, देखो जरा ये बच्चों x की वैल्यू आई, मतलब ये इस इक्वेशन के क्या है रूट्स, क्या है ये इस इक्वेशन के रूट्स आए। और भाई इसके तो रूट्स हम ए और बी मान के चले थे, क्या रहा वो? उन्होंने बोला कि फोन कर देंगे आपको। उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं आएंगे। कौन था? एक लड़का था, एक लेडी थी। अंदर वो नहीं बैठे पड़े जी? नहीं नहीं, उसी का उसने पूछा कि कहाँ है ब्रेड सेट, तो उसने बोला कि ग्राउंड पे गया। मैंने कहा घर भेजवा दो, कितना साल को फोन कर। तो इसके रूट्स तो ए और बी थे, ए कितना हो गया के इंटू एम प्लस माइनस, बी कितना हो गया प्लस आएगा, ठीक है। तो ए इज टू बी कितना हो गया एम प्लस एम स्क्वायर दिस एन एम माइनस, ठीक है। समझ आया? कॉपी कर देता हूँ।